नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कंप्यूटर की क्लास में। आज हम बात करेंगे प्रोसेसिंग यूनिट की। तो इससे पहले हमने तीन क्लासों में मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट और कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे प्रोसेसिंग यूनिट की। तो प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वो पार्ट है जो एक्चुअल प्रोसेसिंग करेगा, डाटा को एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोसेसिंग यूनिट के दो पार्ट हैं, एक को हम कहते हैं CU, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और एक को हम कहते हैं ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ये दो पार्ट हैं किसके, प्रोसेसिंग यूनिट के। ठीक है जी, प्रोसेसिंग यूनिट को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, यानी CPU जो मेन चीज है वो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही आता है। तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, सारी चीज कंट्रोल करने का काम है कंट्रोल यूनिट का। ठीक है जी, अब देखिए कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मान लो आपने कीबोर्ड है और कीबोर्ड से आपने की प्रेस की A, तो क्या होगा, कीबोर्ड से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा और ये जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास। जैसे ही कंट्रोल यूनिट के पास ये सिग्नल आएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल, तो कंट्रोल यूनिट के पास होगा सबसे पहले एक डिकोडर। ये डिकोडर क्या करेगा, जो ये सिग्नल आया है इलेक्ट्रिक सिग्नल, इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यहां से तो ये क्या आया है, एनालॉग सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है, और ये डिकोडर इसको क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद कंट्रोल यूनिट को पता चल जाएगा कि कीबोर्ड से ए प्रेस हुआ है। अब कंट्रोल यूनिट का काम है कि ए का क्या करना है, इसे हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है। तो कंट्रोल यूनिट एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगी और वो जाएगा मॉनिटर के पास, और मॉनिटर के ऊपर आपको ए दिखाई देगा। इसी प्रकार सारे काम कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करती है। मान लीजिए आपने प्रिंटर से कमांड दी Ctrl P, तो प्रिंट कमांड है ये। ठीक है जी, तो Ctrl P आपने दी, Ctrl P, फिर से सिग्नल जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिकोड करेगी, किसकी मदद से, डिकोडर, और अब की बार इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुआ कंट्रोल यूनिट से, ये जाएगा प्रिंटर के पास, और प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो इस प्रकार से कंट्रोल यूनिट काम करेगी। तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास क्या होता है, डिकोडर। उसके बाद कंट्रोल यूनिट के पास जो अगली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट है कंट्रोल यूनिट के पास, पहला डिकोडर, दूसरा रजिस्टर। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि कंट्रोल यूनिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट कौन से हैं, रजिस्टर ऐसे डिवाइस होते हैं जो मेमोरी की तरह काम करते हैं, ये डाटा स्टोर कर सकते हैं बहुत कम। अगर मैं कहूं एक रजिस्टर है 32 बिट का, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी है कितना डाटा स्टोर करने की, 32 बिट। इसी प्रकार एक रजिस्टर है 64 बिट का, तो ये डाटा स्टोर कर सकता है 64 बिट। जितना बड़ा रजिस्टर होगा उतनी ही आपकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, एक सर्किट होता है जिसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा सर्किट होता है जो केवल 1 बिट डाटा स्टोर करता है। 1 बिट का मतलब क्या है, फ्लिप फ्लॉप के अंदर या तो 0 स्टोर हो सकता है या 1, क्योंकि 0 और 1 इन दोनों को स्टोर करने के लिए 1-1 बिट डाटा चाहिए। तो फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा डिवाइस है जो दो ही स्टेट में रह सकता है, या तो ऑन या ऑफ। अगर फ्लिप फ्लॉप के अंदर 0 होगा तो यह स्टेट है ऑफ, और फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1 होगा तो यह सर्किट, यह स्टेट है ऑन। तो फ्लिप फ्लॉप की कितनी कैपेसिटी होती है, 1 बिट। अगर मैं मान लो 8 फ्लिप फ्लॉप जोड़ दूं, तो आपके पास 8 बिट का रजिस्टर बन जाएगा। यानी फ्लिप फ्लॉप को जोड़ के मैं क्या कर सकता हूं, रजिस्टर बना सकता हूं। ठीक है जी, अब रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। जो रजिस्टर है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल पर्पज रजिस्टर और एक होता है स्पेशल पर्पज रजिस्टर। जनरल पर्पज रजिस्टर कई कार्य कर सकता है, इसलिए इसका नाम है जनरल पर्पज रजिस्टर। और जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर होते हैं वो पर्टिकुलर काम के लिए होते हैं। कुछ स्पेशल पर्पज रजिस्टरों के नाम है, हालांकि ये पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपको बताऊं। तो एक होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक ये रजिस्टर होता है। उसके बाद एक होता है प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर, PCR, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। इनपुट आउटपुट रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये कुछ रजिस्टर हैं जो, एक होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक है मेमोरी बफर रजिस्टर।
ये कुछ रजिस्टर हैं जो किसके पास होते हैं, ये सारे रजिस्टर कंट्रोल यूनिट के पास। इनमें से आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, ये एड्रेस स्टोर करता है, नाम में ही एड्रेस है, किसका, करंट इंस्ट्रक्शन का। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर प्रोसेसर के अंदर है तो उसका एड्रेस किसके अंदर होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है आपके पास, ये करता है डाटा ये कंटेन करता है किसका, करंट इंस्ट्रक्शन का। तो ये दो आपको यहां से याद रखने हैं। तो करंट डाटा किसके पास है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास, और करंट एड्रेस किसके पास है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास। रजिस्टर क्या होते हैं, शॉर्ट मेमोरी डिवाइस होते हैं जो डाटा स्टोर कर सकते हैं, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, जितने बिट का होगा ये उतना, और फ्लिप फ्लॉप को जोड़ के रजिस्टर बनाए जा सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या है, जो केवल एक ही बिट डाटा स्टोर कर सकता है, या तो एक या एक जीरो। उसके बाद एक यूनिट है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एक तो ये मैथ की कैलकुलेशन कर सकता है, जैसे 3 जमा 5 मुझे करना है, तो ये काम है ALU का। या मुझे लॉजिकल कंपैरिजन करनी है, लॉजिकल कंपैरिजन का क्या मतलब होता है, जैसे एंड गेट है, और गेट है, इन गेटों के लिए, या जैसे मैं कहूं 5 < 7, तो ये लॉजिकल कंपैरिजन है, क्या 5 7 से छोटा है, आंसर है यस। तो इस तरह के कंपैरिजन भी ALU करता है। अब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट और ALU दोनों मिलकर काम करते हैं, और इनको कंट्रोल किया जाता है सिस्टम क्लॉक से, सिस्टम क्लॉक। तो सिस्टम क्लॉक क्या करती है, सिग्नल जनरेट करती है, और उसके हिसाब से ही ये दोनों मिलकर काम करते हैं। अब आप समझिए, ALU के अंदर सबसे मेन जो रजिस्टर होता है, ALU के अंदर एक ही मेन रजिस्टर होता है जिसका नाम है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर प्रोसेसिंग यूनिट के कौन से हिस्से में होता है, ALU। रजिस्टर का नाम है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। और ये क्या काम करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को सेव करता है। इंटरमीडिएट का मतलब है बीच के रिजल्ट को ये सेव करेगा। जैसे मैं आपको एक एक्सप्रेशन यहां लिखूं, जैसे मैंने लिखा 3 जमा 5 × 7 / 7। तो आपको पता है कंप्यूटर का अपना दिमाग तो नहीं है, ये भी बोडोमास का रूल फॉलो करेगा। पहले स्टेप में 7 की 7 से भागोगी, 1 आएगा, ये एक रिजल्ट है, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो ये किसके अंदर सेव होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अगले स्टेप में 5 की 1 से गुणा होगी, अगले स्टेप में आएगा 5। अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर कितना स्टोर हो जाएगा, 5, और फिर 5 में 3 जुड़ेगा, अगले स्टेप में आ जाएगा 8। ये भी किसके अंदर सेव हो जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अब ये फाइनल रिजल्ट है, ये काम करने के बाद, 8 आने के बाद, एक्यूमुलेटर रजिस्टर कंट्रोल दे देगा कंट्रोल यूनिट को। अब कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगी इस 8 को क्या करना है, स्टोर करके रखना है या मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है। यानी जब भी कैलकुलेशन और लॉजिकल कंपैरिजन की बात आएगी, कंट्रोल यूनिट किसको दे देगा कमांड, किसको दे देगा सारी की सारी कमांड, ALU को। देखिए, मैंने मान लो कीबोर्ड पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैंने लिखा 5 जमा 7, तो ये इंस्ट्रक्शन पहले जाएगी कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट ने देखा कैलकुलेशन करनी है, तो ये कमांड दे देगा ALU को। ALU क्या करेगा, 5 और 7 को जोड़ेगा, 12 आएगा, और वापस कमांड दे देगा कंट्रोल यूनिट को। इस प्रकार से आपका प्रोसेसिंग का काम होता है। तो ये दो मेन हिस्से हैं, कंट्रोल यूनिट और ALU, जिसको कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको कई बार CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का दिमाग भी किसे कहा जाता है, CPU को, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये था बच्चों प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।